साइतामा इमोट को सेफ जोन के बाहर करो। उसको बाहर करने से कुछ होता है क्या? चलो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सेफ जोन के बाहर। यहाँ पर करते हैं वो मुंडी वाला इमोट और देखते हैं क्या होता है। वाह यार, मैं देख के चौंक गया क्योंकि मेरा मुंडी पूरा का पूरा गायब हो गया था। अगर जोन के बाहर जाके ये साइतामा वाले इमोट को करते हैं तो अपना जो हेड होता है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अपडेट के बाद टुक टुक के हॉर्न में सॉन्ग बजता है क्या? ओके चलो अभी सभी गाड़ियों पे ट्राई कर देते हैं और देखते हैं क्या सभी गाड़ियों में सॉन्ग बजते हैं या सिर्फ टुक टुक पे बजता है। यहाँ पर मैं चला रहा हूँ अभी लैम्बोर्गिनी, इसका हॉर्न सुनते हैं। ये वाले गाड़ी का हॉर्न तो पूरा का पूरा नॉर्मल है। अब चलो चलते हैं बाइक के ऊपर और वहां पे जाके उसका हॉर्न सुनते हैं। वैसे बाइक के हॉर्न पे भी कुछ भी चेंज नहीं था। अब चलो ये वाले गाड़ी को चलाते हैं और इसका हॉर्न सुनते हैं। ये वाले गाड़ी के हॉर्न पे भी मुझे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं लगे। अब चलो चलते हैं जीप पर और जीप का हॉर्न सुनते हैं। अब और किसी पे ट्राई किए बिना डायरेक्टली चलते हैं वही टुक टुक पर और सुनते हैं कि उसका हॉर्न इन सबसे अलग है या सेम है। ये क्या था? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं टुक टुक चलाते हुए किसी एक बड़े मेले के अंदर आ गया हूँ। और हाँ, इसका आवाज सभी से अलग है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। जब आप अपने आंखों को मूव करते हो उस टाइम आपका कैरेक्टर उसका हेड को हिलाता है। ओके, यहाँ पर पहले अपन लोग नॉर्मल तरीके से मतलब कि लेफ्ट और राइट को स्क्रीन घुमाते हैं। नहीं यार, स्क्रीन घुमाने से अपना कैरेक्टर थोड़ा सा भी उसका हेड नहीं हिलाता। अब चलो आंखों को घुमाते हैं थोड़ा इधर थोड़ा उधर और फिर देखते हैं कि क्या ये अपना हेड हिलाता है कि नहीं। जिस टाइम मैं इसको जूम करके दिखा रहा था तो आपको भी दिख गया होगा कि जब मैं इसका आय को इधर थोड़ा उधर करता हूँ तो ये अपना मुंडी भी हिलाता है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन को। देखने में बड़ा ही कूल लगता है। आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग ग्राउंड में दो नहीं टोटल तीन सीन्स आते हैं, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग और एक नाइट। वैसे मॉर्निंग और नाइट का तो हम सबको पता है, अब ये इवनिंग कौन सा है? वैसे ये वाला गेम जब स्टार्ट हुआ था तब तो भाई पूरा का पूरा दिन हुआ था और जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आया तो पूरा का पूरा ये दिन है। अब इसके बाद चलते हैं इवनिंग पर और देखते हैं क्या इवनिंग टाइप का भी कोई सीन फ्री फायर में अवेलेबल है कि नहीं। हाँ पता है कुछ लोग मार्क नहीं किए होंगे, पर हाँ फ्री फायर में 9 बजे से 10 बजे के अंदर मैं गया था लॉग इन करके ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और वहां पे जो सीन था ये पूरा का पूरा इवनिंग का सीन था। इसके थोड़ी देर बाद रात हो गया। तो हाँ भाई ने बिल्कुल ही सही कहा, यहाँ दो नहीं तीन सीन्स आते हैं, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग और एक नाइट। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नॉर्मल क्लैश कॉड राउंड पे पूरा आखिरी टाइम पे जब आपका गेम बोया हो रहा होता है उस टाइम हॉरिजलिन को यूज करो, देखना आपका हॉरिजलिन खत्म ही नहीं होगा। वैसे ये बात में मुझे ज्यादा दम नहीं लग रहा है क्योंकि खत्म नहीं होगा, ऐसी कोई चीज भी फ्री फायर में है। ओके चलो अब ये वाला जो गेम है ये अपना आखिरी राउंड है। अब पूरा का पूरा अपन लोग आ चुके हैं आखिरी वाले टाइम पर। अब गेम थोड़ा ही देर बस बचा है बोया होने के लिए। अब से चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना हॉरिजलिन और देखते हैं क्या ये पूरा आखिरी तक रहता है कि नहीं। ये लो, अगर आप देख पा रहे हो तो इस टाइम भी मेरा हॉरिजलिन चल रहा है जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर आखिरी वाले टाइम पर कोई हॉरिजलिन यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है। एंड हिट्स मिथ इज कंफर्म्ड। क्रोनो के अंदर से ड्रम फोड़ने पे डैमेज नहीं होता। अच्छा ओके चलो, पहले अपन लोग यहाँ पर जाके नॉर्मली ड्रम फोड़ते हैं और देखते हैं हमको डैमेज होता है कि नहीं। लो भाई कर लो बात, मैं डैमेज की बात कर रहा था, इसने तो पूरा का पूरा मुझे नॉक ही कर दिया। अब अगर हम लोग क्रोनो का एबिलिटी ऑन नहीं करते तो ऐसा ही हाल होता है। अब चलो क्रोनो का एबिलिटी ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या हम लोग डाउन होते हैं कि नहीं।
हैं? ये क्या है, मेरे को एक खरोच तक नहीं आई। अब चलो फिर से एक और बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑन कर चुका हूँ क्रोनो का एबिलिटी और ये लो, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक खरोच तक इसके अंदर, मतलब डैमेज एक पॉइंट तक इसके अंदर नहीं आता है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। दो मेडिकेट को लगाओ और वो भी एक साथ, फिर देखो मैजिक। ओके, वैसे यहाँ पर मैजिक कौन सा लगेगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैं पहले अपने आप को थोड़ा सा डैमेज कर लेता हूँ और फिर अब चलो यूज करते हैं दो मेडिकेट और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो वैसे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। चलो एक और बार उसी चीज को ट्राई करते हैं, दो मेडिकेट को एक साथ लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। हैं, ये क्या हो रहा है, कोई देख रहा है क्या? एक मेडिकेट यूज करने के बाद अगर पटाक से एक और को यूज करते हो तो उसका एनिमेशन बिल्कुल भी शो नहीं करता, पर हाँ मेडिकेट यूज हो जाता है। अब चलो वैसे ये बड़ी ताज्जुब की बात है, भाई ने बिल्कुल ही सही कहा। हाँ भाई, तुम्हारा बात बिल्कुल 100% सच है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग ग्राउंड पे नए शॉटगन पे स्कोप है। भाई बौखला गए हो क्या? चलो नए शॉटगन को निकालते हैं, मतलब कि मैक 7 शायद से उसका नाम है। अब यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ अपना नया शॉटगन। अब हाँ, मैं जब इसका बैग खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे फोर ग्रिप और स्टॉक को लगाने का जगह तो दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे मुझे स्कोप का बटन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हाँ, स्कोप का बटन यूज पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद से आप थोड़े से चूक गए हो। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। अब स्टार भाई ने बोला है कि अगर आप शैडो शूटर को सब्सक्राइब करते हो तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब देखो, गर्लफ्रेंड के मामले में बिल्कुल भी रिस्क लाइन लेने का, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये बात सुन लो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आपकी 10 साल तक गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, तो याद से सब्सक्राइब करना, ठीक है? और मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और नए ताजे फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।